हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? आप लोगों के बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं और काउंसलिंग में भी आप लोग पूछते हैं कि मैम, क्या हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं ट्विन फ्लेम्स में? दोस्तों, इस पे मैंने कई वीडियोस में बोला है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्विन फ्लेम्स में काम नहीं करता है, और अगर आपने अप्लाई किया भी है तो आपका ट्विन आएगा ज़रूर, बट वो एक अनअवेकन ट्विन के फॉर्म में आएगा और जो कि कभी भी परमानेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो आएगा चले जाएगा। होपफुली आप लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया होगा। अब क्यों नहीं, क्यों, लेट मी क्लियर दिस थिंग कि क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्विन फ्लेम्स में काम नहीं करता है। देखिए दोस्तों, व्हाट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन? आप सबकॉन्शियस माइंड को जो पिक्चर भेज रहे हो, ठीक है, आपने जो पिक्चर बनाई सबकॉन्शियस माइंड को कि सपोज आपने मैनिफेस्ट किया, चाहे 555 टेक्निक से, चाहे राइट एंड बर्न टेक्निक से, चाहे वाटर टेक्निक से, कि भाई मुझे मेरा पर्सन मिल जाए, मेरा यूनियन हो जाए, या उसका कॉल आ जाए या मैसेज आ जाए, ठीक है। तो ये आपने एक मैनिफेस्टेशन किया, तो मतलब कि आपने एक्चुअली में एक पिक्चर बनाई कि आपका पर्सन आपसे मिलने आ रहा है, या आपका पर्सन आपसे प्यार कर रहा है, या आप लोग हैप्पीली कपल लाइफ को इन्जॉय कर रहे हो, या आप लोगों की अच्छे से बात हो रही है। तो ये सारी पिक्चर्स आपने सबकॉन्शियस माइंड को भेजी, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड ने उस पिक्चर को एक्सेप्ट किया, और जो टेम्प्ररी वो आता है ना, क्योंकि वो बिकॉज यू आर ट्विन सोल्स, तो ऐसा नहीं कि आप ह्यूमन नहीं है, तो सबकॉन्शियस माइंड्स आपके मैनिफेस्ट करने से वो आते हैं, क्योंकि यू हैव सेंट द पिक्चर, ठीक है, जिसको हम लोग विजुलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। आपने विजुलाइजेशन किया और आपने वो पिक्चर उनको भेजी, तो वो इस कारण से वो आपके मैनिफेस्टेशन होते हैं, वो आते हैं, पर वो परमानेंटली क्यों नहीं आते हैं? अब थिंग इज दिस की क्वेश्चन कि वो परमानेंटली क्यों नहीं आते हैं? बिकॉज नाउ आप, मतलब अगर हम कहें कि नाउ सोलमेट्स, कार्मिक्स, ट्रू सोलमेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ट्विन सोल्स। ये जो सबकॉन्शियस माइंड का मैनिफेस्टेशन है, या विजुलाइजेशन का मैनिफेस्टेशन है, या आप कहें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स हैं, ये डेफिनेटली काम करती हैं कार्मिक्स के ऊपर, सब सोलमेट्स के ऊपर, ट्रू सोलमेट्स के ऊपर, बट दिस डज नॉट वर्क इन ट्विन फ्लेम्स। बिकॉज ट्विन फ्लेम्स की डिमांड क्या होती है, ये जर्नी क्या है? ये जर्नी आपके एनलाइटनमेंट की है, ये जर्नी आपके प्योरेस्ट वर्जन में आने की है, ठीक है। आपको बिल्कुल एंजल की तरह बनना है, आपको मैं अगर कहूँ तो भगवान की तरह बनना है। भगवान तो हम कभी नहीं बन सकते, बट हाँ, हमको इतना प्योर बनना है, बिल्कुल भगवान की तरह। तो जब तक आप ये इस शेप में नहीं आ जाते, आपका एक एक कर्मा हील नहीं हो जाता है, यू हैव टू कम टू द स्टेट ऑफ जीरो कर्मा, निल कर्मा के स्टेट में आना है आपको। आपको आगे न्यू कर्मा क्रिएट नहीं करना है, और आपको बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ योर ओरिजिनल सोल, जो आपकी सोल की ओरिजिनलिटी थी, उसकी एक एक जो गंदी लेयर को धोना है। तो ये सारे काम आपको ट्विन फ्लेम्स कि इस जर्नी में करना है, तभी आपका रियूनियन आपके पर्सन से हो सकता है। तो आप खुद ही बताइए कि हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल वर्क। और फिर उसमें तो आपने सिर्फ सेल्फिशली अपने डीएम को, जिसको आप डीएम बोल रहे हैं, आपने उसको मैनिफेस्ट किया, यहाँ तो आपको कोई मतलब नहीं है, मतलब यूनिवर्स से यहाँ तो कोई सरेंडर नहीं है, यहाँ तो कोई भी आपने अपने पे अपने आप को इवॉल्व नहीं किया, ठीक है। यू शुड वर्क ऑन, तो आपका फोकस पूरा डीएम पे है, जबकि ट्विन जर्नी में फोकस डीएम पे होता ही नहीं है। नॉर्मल सोलमेट की जर्नी पे, ट्रू सोलमेट की जर्नी पे, कार्मिक की जर्नी में आपका फोकस आपके बॉयफ्रेंड पे हो सकता है, बट ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका फोकस आपके डीएम पे नहीं होता है, बिकॉज योर फुल फोकस शुड बी ऑन इवॉल्विंग योर सेल्फ, ठीक है, जिसमें हमारे एंजल्स हमको हेल्प करते हैं, राइट, ठीक है। तो बेसिकली ये जर्नी एनर्जी की है,
अगर अब एनर्जी मतलब कि भाई आप अगर सपोज जिस स्टेज में आप सेपरेट हुए थे, आपको सोल शॉक हुआ था, आपके सारे चक्रास ब्लॉक थे, आप लोग लो वाइब्रेशन की एनर्जी में थे, डेफिनेटली उस टाइम पे आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन थे वो भी नार्सिसिस्टिक बिहेवियर में रहे होंगे, डोमिनेटिंग रहे होंगे, मैनिपुलेटिंग रहे होंगे, ठीक है. बट विदाउट उनसे बात किए बगैर ही जब आप अपनी जर्नी के एंड में पहुँचते, जब आप इवॉल्व होते हो, तो ऑटोमेटिकली यू फाइंड द एनर्जी ऑफ योर पर्सन हैज़ बीन चेंज. हाउ इट हैपन्ड, ये मिराकल कैसे हुआ? बिकॉज यू चेंज योर एनर्जी, यू चेंज योर डायमेंशन, योर सी. जब हम लोग एक भी अपना इशू हील करते हैं तो हम अपने को डिफरेंट फील करते हैं, वी फील एक हम अलग डायमेंशन में फील करते हैं. लाइक हम कहते हैं ना यार, पता है पहले मैं ऐसी थी, अब मैं ऐसी हो गई. आपने एक इशू फील किया, आपने हैप्पीनेस फील करी, आपने दूसरा इशू हील किया, आपको और अच्छा लगा, मतलब अच्छा लगा मतलब आपकी एनर्जी और ऊपर इंक्रीज हुई, ठीक है. फिर आपने सारे इशूज़ हील किए तो यू हैव, आपकी एनर्जी का लेवल बिल्कुल हाई वाइब्रेशन वाला हो गया, हैप्पीनेस की स्टेट में आ गए, बैलेंस की स्टेट में आ गए, पीस की स्टेट में आ गए. नाउ यू आर गुड विद एवरीवन. लॉ ऑफ अट्रैक्शन या सबकॉन्शियस माइंड आपको यही नहीं सिखाएगा कि हाउ टू बी गुड विद एवरीवन, बट यू हैव लर्न इन दिस जर्नी हाउ टू बी गुड विद एवरीवन. लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप कभी नहीं सीखेंगे कर्माज लॉ क्या होता है, ठीक है, बट यहाँ आपने सीखा कि हमें अपने कर्म को कट करना है, हमें अच्छे कर्म करने हैं, हमको कार्मिक्स को बुरा नहीं बोलना है. कार्मिक्स आर हियर टू टीच यू लेसन्स, कार्मिक्स आर हियर टू मेक यू द बेटर वर्जन, बिकॉज दे आर ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग यू एज अ मिरर, ठीक है. तो या आप अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हो. तो ट्विन जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, इसमें हम लोग कर्मास के लॉ सीखते हैं, इसमें हम खुद को इवॉल्व करते हैं, हम इसमें अपनी एनर्जी को इवॉल्व करते हैं, एनर्जी को हाई लेके जाते हैं, जिससे कि ऑटोमेटिकली जब हम अपने पर्सन से, जो हमारा डिवाइन काउंटर पार्ट है, उसकी एनर्जी आप ही के अवेकनिंग के साथ ऑटोमेटिकली हील हो जाती है, उसकी भी एनर्जी आपके साथ ही चेंज हो जाती है. ये एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशन में सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से नहीं हो सकता है. और ये सब बातें दोस्तों मैं पहले कई बार बोल चुकी हूँ, कई वीडियोस में बोल चुकी हूँ, और मुझे अपनी बातें बार बार बदलने की आदत नहीं है. आई डोंट वॉन्ट टू कन्फ्यूज यू ऑल कि वॉट इज़ ट्विन जर्नी एंड यू आर इन ट्विन जर्नी एंड हाउ टू कम्प्लीट योर ट्विन जर्नी, ठीक है. सो होपफुली आप लोग को आपका आंसर मिल गया होगा कि एक नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशन में और ट्विन जर्नी में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है. हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वर्क कर सकते हैं सोलमेट रिलेशन में, ट्रू सोलमेट रिलेशन में, बट नॉट इन ट्विन जर्नी, बिकॉज यू हैव टू क्लियर ऑल योर कर्मास एंड यू हैव टू इवॉल्व योर सेल्फ एंड यू हैव टू कम टू द प्योरेस्ट फॉर्म. एंड दिस इज द जर्नी ऑफ एक्स एनर्जीज, एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज. आपके डीएम की एनर्जी इस रिश्ते में ऑटोमेटिकली आपके साथ आपका डीएम अवेकन होता है, जो कि सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते से या इस प्रकार सबकॉन्शियस माइंड से नहीं हो सकता, ठीक है दोस्तों. तो होपफुली आप लोगों को आपका आंसर मिल गया होगा. खुश रहिए दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर.